फिलहाल तो ब्रेक लेने का मन कर रहा है। राहुल राहुल जैसे माना कि मैं थोड़ा सा फ्लर्टी हूँ, पर दिल का ना एकदम 24 कैरेट। इंटरेस्टिंग। खामोशी से दिल में आके शोर किसी ने ऐसा किया ना। आई लव यू राहुल। उसे कुछ अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। मर्डर थॉमस का, मानो पूरी सिस्टम इनकी पॉकेट में हो। तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई और भी है। मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ी तू। स्पिरिट्स आर मोस्ट पावरफुल व्हेन दे हैव अ मोटिव। उस आत्मा की सारी शक्ति इसके हाथों में है। आता ना सरप्राइजेस और भी बहुत है। ऑफ बीएस प्रोडक्शन हाउस इन एसोसिएशन विद विराट सिनेमास प्रेजेंटेशन। द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन द 13th of July 2018। आई एम श्योर आपको इतना तो पता होगा, लेकिन मैं इस मूवी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। एकता, दिस मूवी इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ अ हिल स्टेशन फिल्ड विथ लव थ्रिल एंड मर्डर मिस्ट्री। एकता, अ रिपोर्टर फ्रॉम सऊदी अरेबिया फाइट्स विथ चाइल्ड ब्रोकर्स फॉर देयर इलीगल एक्टिविटीज। वेल, इतने खूबसूरत कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मूवी, इसके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए और आप सबको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स का, जो कि है मिस्टर बिक्षा मैया संगम एंड मिस्टर सुमन रेड्डी। इनका प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें एवरीबॉडी। अभी तो बस दोपहर ही हुई है, कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियां बजाएं यहाँ पे फॉर दीज जेंटलमैन ओवर हियर जिन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया है। और पता नहीं आप सब जानते हो या नहीं, लेकिन एकता इस मूवी को रिटन और डायरेक्ट किया हुआ है मिस्टर सुमन रेड्डी ने, हु इज राइट योर विकास। इनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी। फॉर मिस्टर बिक्षा मैया संगम जो हमारे साथ यहां पर है, इन्होंने कई सारे टॉलीवुड की मूवीज और सीरियल्स को डाउन साउथ प्रोड्यूस किया है और यहां पे अभी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं बिगिनिंग विद देयर फर्स्ट वेंचर एकता। इनके लिए जोरदार ताली बजाएगा मिस्टर संगम और बियर एवरीबॉडी। तालियों में कोई कंजूसी ना कीजिएगा। ऑल्सो विकास, वी हैव मिस्टर रेड्डी ओवर हियर, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगी। ही हैज वर्क्ड इन द डायरेक्शन डिपार्टमेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री सिंस 2006, मोर देन अ डेकेड एक्चुअली। और यहां पे नबी फर्स्ट टाइम वो यहां पे डेब्यू कर रहे हैं विथ हिज डायरेक्शनल डेब्यू विद द मूवी एकता। इनके लिए भी प्लीज जोरदार ताली बजाए एवरीबॉडी। वेल, बिना ज्यादा वक्त गवाए हुए हम इनसे सवाल जो आप तो जरूर करेंगे, मैं चाहती हूं कि आप सब प्लीज फिर से बैठ जाइए अपनी सीट्स पे और हम इस मूवी का ट्रेलर देख ले। सो कैन वी हैव द ट्रेलर ऑफ द मूवी। रॉबिन सोही राइट हियर विद अस द मेन लीड फॉर द मूवी, कम ऑन एवरीबॉडी, हियर ही इज विद अस। मिस्टर नासिर खान, कैन वी प्लीज हैव योर प्लेजर जॉइनिंग अस सर। मिस्टर सलील अंकोला, फॉर सम रीजन आई बिलीव ही कुडंट बी विद अस ओवर हियर, बट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मूवी एज यू हैव सीन। ऑल्सो विद अस मिस्टर प्रणति राय प्रकाश किरा, जॉइन अस फॉर द मोमेंट। ऑल्सो वी हैव बाहुबली प्रभाकर इन द मूवी विद अस, मिस्टर ऋषद राणा इन द मूवी, कैन वी हैव यू ओवर हियर, कम ऑन एवरीबॉडी,
तालियां बजाएं इनके लिए. अवनीत कौर, आर यू देयर विद अस? यस एवरीबॉडी, कम ऑन प्लीज क्लैप फॉर हर एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अप योर टाइम टुडे. एंड यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द म्यूजिक फॉर द मूवी हैज बीन गिवन बाय मिस्टर टाबू मलिक, बाय द सिंगर अरमान मलिक. इनके लिए भी तालियां बजाएं, कम ऑन एवरीबॉडी, भले ही वो हमारे साथ ना हो पाए. सिनेमाटोग्राफी बाय तमाश्याम, एडिटिंग बाय कार्तिका श्रीनिवास, DI by Vishnu of Prime Focus, and DTS mixing by Shyam of Ramanaidu Studios. All right, ladies and gentlemen, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगी. Right, Mr. Pradeep Chhabria, can you please join us over here, sir? Do we have you over here? Come on, everybody, इनकी जोरदार ताली बजाए. He is right here from Glimpse Entertainment. Thank you so much, sir. That's not all. मैं यहाँ पे request करना चाहूंगी Mr. Mehmood Ali से कि please यहाँ पर आ जाए. And grace us with your presence. He's from Pen and Camera International. Thank you so much, sir. And last but not the least, can we have Mr. Vaseem from Fame Media joining us, please? Can we have you over here? Thank you so much, sir. Well, ladies and gentlemen, ab aati hai bari inse kuch baat karne ki. So get ready. Movie. So, main har saal mein, sorry for English, and I'll try to talk in Hindi as much as possible. तो पहला मैं 20 साल 15 साल से डायरेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा था. सो बहुत इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देखता. सो पहला कॉन्सेप्ट बनने के बाद तेलुगु से ज़्यादा ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट होगी बोल के मैं हिंदी में प्लान किया. सो मुझे इतना जल्दी कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं आता. सो क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा मैं इमेजिन कर सकता था. तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू में ये सोच के लिखा हूँ, तो तभी ये कॉन्सेप्ट आया. तो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स एक्चुअली अमेजिंग. वेल, आई वुड लाइक टू आस्क मैम ओवर हियर, नवनीत मैम. वेल मैम, हाउ इज योर एक्सपीरियंस फॉर दिस मूवी, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म का बहुत ही अच्छा था. एंड लाइक यू आस्क्ड अर्लियर, सोल मीट्स बॉडी. So here's the soul and this is the body in front of you. So, but the experience was very good and it was amazing. It was very nice to work in the South industry for the first time. Though it is a Bollywood film, but our entire crew was from the South, and it was the professionalism that I saw is something else. So it was a good experience. Thank you so much, ma'am. Main yahan pe Robin sir se kuch baat karna chahungi. Robin sir, will आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. जैसे मुझे पता चला था कि हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन सब साउथ से हैं, तो मुझे पता था इन लोगों को हिंदी नहीं आती, तो मुझे लगा था बहुत मुश्किल होगी. लेकिन सुमन सर बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. मतलब एक्चुअली मेरी पहली फिल्म थी, तो इसलिए मुझे बहुत सपोर्ट किया सर ने और अमित ने, सब लोगों ने वहाँ पर. तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था. And you're looking also so good. इतने अच्छे आप लग रहे हैं. Oh my God, I think मुझे half crush तो इधर ही हो चुका है. I must say about that. And so what about you, Nasir sir? Would like to speak with you. आपका experience कैसा रहा इस movie को लेके? What is your role exactly in this? आप थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? What can I say about my role, Suman? How much can I say about my role? मैं ज़्यादा नहीं कह सकता मैं character के बारे में. बस सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे लिए बड़ा challenging था, because I had to play from 25 to 65. तो 25 के लिए बहुत मेकअप करना पड़ा मुझे. थैंक यू सो मच सर. ऋषभ सर, आई लाइक टू स्पीक टू यू आल्सो. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द मूवी? कुछ आप अपने कैरेक्टर के बारे में कहना चाहेंगे इसमें? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मैं शुरू से ही साउथ फिल्म्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. इवन एज अ स्कूल किड आई रिमेंबर गोइंग टू गेटी गैलेक्सी एंड गोइंग अलोन एंड वॉचिंग साउथ मूवीज. उस टाइम पे सबटाइटल्स भी नहीं हुआ करते थे, बट आई जस्ट यूज्ड टू गो एंड जस्ट एंजॉय द the visual treat that South movies have brought to us. So for me, the most important thing was that I would be getting to work with an entirely South crew, Suman sir and everyone. And with actors like Nasir sir and Navneet and everyone, Robin, it was a wonderful experience. मैं इसमें फिलिप, प्रोफेसर फिलिप नाम का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, इम्पॉर्टेंट जंक्चर पे फिल्म पे आता है. एंड I think he helps taking the film a little ahead, solving some mysteries. Well, we surely look forward for that, sir. Thank you so much for gracing us that. And last but not least, Avneet. Avneet over here. Avneet, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे
नवनीत के बचपन का रोल प्ले कर रही हो. सो हाउ हैज योर एक्सपीरियंस बीन? एक्चुअली नॉट रियली बचपन का रोल. I can't say anything about my character, so you have to watch the movie yourself. I really can't say anything, but I would say that this role has been very challenging for me. I haven't attempted anything like this before. So when we were shooting with Nasir sir, mostly mere kafi sare scenes, like I don't really know the cast here. So bahut 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 acha laga, bahut maza aaya. We I've been to Lappi also for this show, I remember. So udhar ki scenery, beauty, everything I got to see, and the cast, crew, everyone is so amazing, and it was such a lovely experience. I just want people to connect to the story, that's it, and bas udhar mehnat meri bahut safal ho jayegi, that's all I need. Thank you so much. Well ladies and gentlemen, jaisa aap dekh sakte hain, maine to puri koshish ki inse raaz ugalwane ki, lekin sab kuch movie pe depend karta hai. Ekta movie pe jo ki 13 July ko release ho rahi hai, so I think I have to book my seats in advance. Last but not the least, well sir, over here, Sangam sir. Sangam sir se main yahan pe baat karna chahungi, can you please pass the mic to him? सर, यू बीन द प्रोड्यूसर फॉर द फिल्म, कितने लोगों ने सताया आपको और क्या क्या हुआ है आपके साथ, प्लीज बताइए. अच्छा तो कोई भी नहीं सताया, एक अच्छा पिक्चर दिखा रहे मोड़ के मेरे भी सब लोग मिलके एक अच्छा पिक्चर दिखा रहे, वो भी देख लिया मैं, बहुत अच्छा है पिक्चर. मेरा ख्याल तो हिट है, हिट तो बोल रहा हूँ रिलीज होने के बाद. फिर हमारा भैया भी है सामने मीडिया दोस्तों, अच्छा पिक्चर को अच्छा लेकर जाना बोलता हूँ, मीडिया से ही होता है. तो आप लोग आगे बढ़ाए तो फिर हमारा पिक्चर अच्छा. Absolutely. Thank you so much, sir. Please, Sangam sir, please, zordar taali bajao, everybody. He's trying his best to speak in Hindi. Really, that's really commendable. Thank you so much. Well, thank you so much, everybody. And yes, it's now the question answers for the media. Aapko. Yes. What bites you want? That was my debut film, and the experience was very good. It was my first feature film, but I had done a lot of short films before that. So it wasn't very new that I couldn't face the camera or anything as such, but yes, a feature film and in Bollywood is definitely something different, and it has a lot, its own charm. So, but it was nice. And next question is for Avni. Yeah. Navneet ne reveal kar diya ki she is a body and you are the soul. So how was the experience of playing the spirit? हेलो, क्या हेलो क्या